अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्कू न्यूज़, मैं कमर हुसैन। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैर ऑफियत से होंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, चूँकि यूईटी ने ई कह लिया, उसके बाद प्रॉपर जो एडमिशन्स हैं उनमें अप्लाई शुरू हो चुकी है। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि इस बार मेरिट फार्मूला क्या है, हम किस तरह से अपना मेरिट कैलकुलेट करें। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको पहले मेरिट फार्मूला और फिर बताऊँगा कि किस तरह से आप मेरिट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तीन तरह के एडमिशन है, एक जो है वो नॉन ईकैट है, जिसमें आपका 75% इंटरमीडिएट पार्ट वन और 25% मैट्रिक। जो नॉन ईकैट प्रोग्राम है ये आप देख रहे हैं, इनमें 75% इंटरमीडिएट पार्ट वन, 25% मैट्रिक। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मैकेनिकल, सिविल, इन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो 33% ईकैट, 50% इंटरमीडिएट पार्ट वन, 17% मैट्रिक। अगर हम नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो 30% ईकैट, 45% इंटरमीडिएट पार्ट वन और 25% मैट्रिक के मार्क्स मिलाए जाएंगे। ये हो गया आपका मेरिट फार्मूला। अब आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है, लेट्स सपोज आपका जो है वो मैं आपको इंजीनियरिंग का बता देता हूँ। जिस तरह 33% ई कैट से, 50% इंटरमीडिएट पार्ट वन से और 17% जो है वो मैट्रिक से लिए गए हैं, तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके ई कैट में मार्क्स आए हैं 200, तो क्या करना है, 200 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 33। इसी तरह अगर आपके इंटरमीडिएट में 1000 नंबर आए हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 50। आगे जो है मैट्रिक में 1000 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 17, इन सब को ऐड